हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ सिक्स क्लास की मैथ्स, जिसका चैप्टर है सातवां, और सातवां चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है 7.1। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित करो। मतलब भिन्न दे दी गई है और हमको जो ये जो हमको डायग्राम दिखाए गए हैं इनको छायांकित करना है भिन्न के हिसाब से। तो देखते हैं कैसे करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है 1/6, मतलब 1/6। 1/6, 6 क्या होता है, नीचे वाला हमको दिखाता है कुल हिस्से। क्या दिखाता है, कुल हिस्से हमको दिखाता है, ठीक है। नीचे वाला हमको दिखाता है कुल हिस्से, ऊपर हमको क्या दिखाता है, छायांकित भाग, ठीक है। ऊपर वाला हमको बताता है छायांकित भाग। तो कुल हिस्से कितने हैं, 6। तो हम देख लेते हैं 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 तो है भाई। अब ये एक हिस्सा छायांकित है तो कोई सा भी, चाहे ये कर दो, 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 मैं ये वाला कर लेती हूँ, ठीक है। कोई भी एक हिस्सा छायांकित कर देंगे तो इसका मतलब हुआ 1/6। अब अगला है 1/4। क्या है, 1/4, तो कुल हिस्से कितने होने चाहिए, 4 हिस्से होने चाहिए। तो देख लेते 4 हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4, 4 हिस्से तो हैं भाई। टीवी चला रही, तो भाई यहाँ पे क्या लिखा है, 1/4। 1/4, 4 का मतलब है 4 हिस्से होने चाहिए। 4 हिस्से होने चाहिए मतलब 1, 2, 3, 4, 4 हिस्से तो हो गए भाई। और ऊपर क्या है, छायांकित भाग के लिए, तो एक हिस्सा जो है छायांकित होना चाहिए। अब आप कहोगे मैम कौन सा हिस्सा छायांकित होना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगी कोई भी हिस्सा कर लो, कोई ज़रूरी नहीं चाहे ये कर लो, मैं बीच वाला हिस्सा छायांकित करे दे रही हूँ, ठीक है। तो 1/4 हो गया, एक हिस्सा छायांकित भाग, कुल हिस्से 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 1/3। 3 का मतलब क्या है, नीचे वाले 3 का मतलब क्या है, नीचे वाले 3 का मतलब है टोटल हिस्से 3 होने चाहिए। तो टोटल हिस्से 3 होने चाहिए, तो 3 तो हमारे हैं, 1, 2, 3। 3 में से कितना हिस्सा छायांकित है, एक हिस्सा, तो एक हिस्सा कोई भी छायांकित कर दो, मैं ये हिस्सा छायांकित कर दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 3/4, तो टोटल हिस्से कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो टोटल हिस्से 4 हैं, 1, 2, 3, 4, 4 हिस्से टोटल हैं, उनमें से छायांकित कितने हैं, 3 हिस्से छायांकित हैं। 3 हिस्से छायांकित है, कोई भी 3 हिस्से छायांकित कर दो, 1, 2, 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गए, 3 हिस्से छायांकित हो गए, टोटल हिस्से 4 हो गए। ये हो गया हमारा 3/4। अगला है 4/9, तो टोटल हिस्से कितने होने चाहिए, जल्दी से कमेंट करो, टोटल हिस्से होने चाहिए 9। तो देखते हैं 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 हिस्से हो गए। 9 हिस्सों में से कितना छायांकित होना चाहिए, 4 हिस्से छायांकित होने चाहिए। आप कहोगे कौन से 4, कोई भी 4, 1, 2, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 4 हिस्से जो है हमने छायांकित कर दिए। इस तरीके से ये हो गया हमारा 4/9, ठीक है। हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देख लीजिए और मैं हट जाती हूँ, लेकिन देख लीजिए आपका क्वेश्चन जो है वो हो गया है। तो अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए, निम्न में कोई गलती है तो पहचानिए। तो देखते हैं भाई क्या गलती है, ये कह रहे हैं या 1/2 है, तो ये जो हिस्सा इन्होंने छायांकित दिखा दिया, टोटल हिस्से 2 कर दिए, तो इन्होंने 2 लिख दिया, एक हिस्सा छायांकित है तो ऊपर 1 लिख दिया। आपके हिसाब से तो यही होना चाहिए जो मैंने समझाया है, जो मैंने भी समझाया है ये, पर यहाँ पे एक बात है, क्या बात है, यहाँ पे जो हिस्सा छायांकित नहीं है वो छोटा है और जो हिस्सा छायांकित है वो काफ़ी बड़ा है। जो छायांकित हिस्से हैं और जो छायांकित हिस्से नहीं हैं वो सारे बराबर होने चाहिए, पर इन्होंने क्या किया है,
इन्होंने यहाँ पे बड़ा हिस्सा छायांकित कर दिया है और छोटा हिस्सा छायांकित नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर हम इसके इस तरीके से भाग करें तो ये हिस्सा बराबर होगा, ये हिस्सा बराबर होगा, ये हिस्सा बराबर हो गए। तो हम इसको अगर गलत इसको सही से लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको, एक बटे नहीं तीन हिस्सा छायांकित है ना, एक दो तीन हिस्से छायांकित हैं, टोटल हिस्से कितने हैं चार। तो ये हमारा 3/4 होना चाहिए ना कि 1/2। इन्होंने छोटा वाला हिस्सा छायांकित नहीं किया, बड़ा वाला हिस्सा छायांकित कर दिया था। ऐसे ही इन्होंने चार हिस्से कर दिए लेकिन चारों हिस्से बराबर नहीं है, सिर्फ ये हिस्सा बराबर है, ये हिस्सा बराबर है। उनमें से ये कह रहे हैं कि एक हिस्सा इन्होंने छायांकित कर दिया है, जो भी हिस्सा इन्होंने किया है उसके हिसाब से इन्होंने ऊपर एक लिख दिया, और चार हिस्से किए थे उसके हिसाब से इन्होंने चार लिख दिया, पर इन्होंने कोई भी हिस्सा बराबर नहीं किया है। तो बराबर कैसे करेंगे, इस हिसाब से हम कर देंगे, ठीक है। अब हमारे सारे हिस्से बराबर हो गए। अब कितने छायांकित हिस्से हैं, एक दो तीन, तीन हिस्से छायांकित हैं, टोटल हिस्से कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये होना चाहिए हमारा। ये गलती है, इन्होंने क्या किया था, हिस्से बराबर नहीं किए थे फिर इन्होंने छायांकित कर दिया और उसी के हिसाब से इन्होंने लिख दिया। इसमें भी यही गलती है, इन्होंने क्या किया 3/4 इसके चार हिस्से कर दिए, चार में से एक दो तीन छायांकित कर दिया तो ऊपर तीन कर दिया, चौथा हिस्सा छायांकित नहीं है तो नीचे टोटल हिस्से चार थे तो नीचे चार कर दिया, पर इन्होंने हिस्सों को बराबर नहीं किया है तो ये भी हमारा गलती हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये जो हो गए हैं क्वेश्चन आप देख लीजिए, दो और तीन इस आज की वीडियो में कराएंगे, अगले क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो में होंगे, ठीक है। थैंक यू। तो आपको अब क्या करना होगा, हमारी वीडियो जो है उसको लाइक करना होगा, फिर आपको क्या करना होगा, हमारी गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरु दक्षिणा में आपको जो YouTube पे वीडियो देख रहे हैं उनको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा। अब सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन बना होता है, बेल आइकन को हिट करना होगा, ऑल वाला ऑप्शन लगाना होगा, और आपको क्या करना होगा, जो फेसबुक पे देख रहे हैं उनको हमारा पेज फॉलो करना होगा और लाइक करना होगा, ठीक है, और शेयर करना होगा, ठीक है। ये हमारी गुरु दक्षिणा है आपको, और आप लोग जो हैं सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर शेयर बहुत कम करते हैं, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मेन गुरु दक्षिणा जो है हमारी यही है, तो ये करना बिल्कुल ना भूलें, हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन के ज़रूर जाना।